हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मशीन वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है, आज हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। बट एंड्रॉयड फ़ोन का एक खराबी क्या है, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आपको पावर बैंक और एक्स्ट्रा एसेसरीज को कैरी करना होता है। बट दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पोर्टेबल चार्जर के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखने में एक सिंपल मोबाइल फ़ोन चार्जर जैसा है। ये तो आपके फ़ोन को, जैसे आप एसी करंट से अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, ये तो आपके फ़ोन को उस एसी करंट से चार्ज कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर में घूमने गए हो, ऐसा जगह जहाँ कोई करंट नहीं है, तो आप इसमें एक 9 वोल्ट के बैटरी को यहाँ कनेक्ट करके भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बोला जाए तो ये एक पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन चार्जर है और कैरी में बहुत ही आसान है, बिकॉज इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल पावर बैंक और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मोबाइल को चार्ज करने के लिए कैरी करना नहीं होगा। जैसे आप नॉर्मली अपने फ़ोन के चार्जर को कैरी करते हैं, आप इसे कैरी कर सकते हैं। ये तो एसी करंट से आपके फ़ोन को चार्ज करेगा, साथ ही साथ अगर करंट नहीं रहेगा तो आप 9 वोल्ट की बैटरी से भी इसे एज ए पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप इसे अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, विद इन 30 रुपीज़ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये पोर्टेबल जो चार्जर है, मतलब एक काम चला वाला चार्जर है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको एक चाहिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। देख सकते हैं, यह है 470 μA 25 वोल्ट का। इसके बाद आपको चाहिए, आपको ये चाहिए जो है IC7805 वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक डायोड, यह है 1N4007 का डायोड, ठीक है। और आपको चाहिए होगा एक 9 वोल्ट का बैटरी, और इस 9 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर। तो दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसा कोई पुराना चार्जर है जो ख़राब हो चुका है या अच्छा भी है, दोनों में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा है तो और बेटर है, क्योंकि आप इससे मोबाइल को प्लग से भी चार्ज कर सकते हैं एसी करंट से, और एक 9 वोल्ट की बैटरी को इंक्लूड करके डीसी करंट यानी पोर्टेबल चार्जर भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे ले लिया। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। खुल चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने चार्जर को तो खोल लिया है, अब क्या करना है आपको ध्यान से देखिए। ये जो सर्किट है, आपको इस सर्किट से कोई मतलब नहीं। आपको ये जो USB फीमेल पिन है, इससे आपको खाली मतलब है, जो यहाँ जो आपको दो पिन दिख रहा है, आपको प्लस और माइनस से इसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि आप अपने फ़ोन को 9 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर सकें। तो देख सकते हैं, जो इसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस, इसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है, आपको जो छोटा सा सर्किट बनाना है, उसी स्पेस में इस सर्किट को एडजस्ट करना है और इस फीमेल USB पिन के साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इस सर्किट को पहले बनाते हैं। अब दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह है कनेक्शन, ठीक है। आपके पास है वोल्टेज रेगुलेटर IC7805। आप देख सकते हो जो इसका फर्स्ट पिन है, ये वाला आपके तरफ से, ये होता है इनपुट पिन, मिडिल वाला ग्राउंड में जाता है और मिडिल वाला ग्राउंड में जाता है और ये होता है आउटपुट पिन, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, आप देख सकते हैं यहाँ डॉट दिया। तो ये साइड होता है आपका, ये जो ये साइड होता है आपका नेगेटिव साइड, जो डॉट डॉटेड है, और उसका पूरा कलर वाला साइड है, ये आपका होता है पॉजिटिव साइड। तभी इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले हम लोग इस सर्किट को एक बार देख लेंगे, ताकि आप इस सर्किट के बारे में जान सके और आपको इस सर्किट को कनेक्ट करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, कनेक्शन को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इसका ग्राउंड जो होता है नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, यानी ग्राउंड, तो इसका एक ग्राउंड है इस साइड वाला पिन, और ये इसका पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव के साथ हमको इसको कनेक्ट करना है। देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर के साथ ये कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों, हम लोग को जो डायोड है, चलिए मैं आपको इस डायोड का भी कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ आपको एक स्लाइटली ग्रे साइड का कुछ बार दिख रहा है और बाकी इसका रेस्ट बॉडी ब्लैक है। तो इसका पॉजिटिव साइड होता है और इसका नेगेटिव साइड होता है, यानी जो वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका जो आउटपुट है, ये इसका नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, जो हमारा फोन को चार्ज करे, ठीक है।
देख सकते हैं डायोड भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो छोटा सा सर्किट है पूरा हमारा वो तैयार हो चुका है, बस इतनी छोटा सा सर्किट है, इसी से आप एक 9 वोल्ट की बैटरी से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करना है, यहाँ एक छोटा सा होल करना है ताकि ये जो 9 वोल्ट का कनेक्टर है इसके साथ यहाँ कनेक्ट हो सके और हम लोग वायर को अंदर से ले जा सके, ठीक है। और होल कर लेते हैं, सबसे पहले छोटा सा एक होल कर लेंगे और ये होल हो चुका देख सकते हैं, बाकी प्लास्टिक को रिमूव कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ जो मैंने होल किया है सबसे पहले इस होल से इस दोनों वायर को निकाल लेते हैं, ठीक है। इस होल से दोनों वायर को निकाल लेंगे ऐसे, क्योंकि इस दोनों वायर को हम लोग इस सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो निकाल लेते हैं और ये यहाँ आके ऐसे इसको हम लोग ग्लू से चिपका देंगे। अब दोस्तों इस रेड वायर को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी 7805 जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसके पहले नंबर 3 से। सो फ्रेंड सर्किट इज रेडी, बट फ्रेंड्स बी रिमेंबर इट्स नॉट ए परफेक्ट सर्किट टू चार्ज योर फोन। हाँ ये एक ऐसा सर्किट है जिससे आप अपने फोन को एनी टाइम इमरजेंसी में चार्ज कर सकते हैं। लेट्स चेक द करंट, लेट्स चेक द वोल्टेज, ओके। सेट द वोल्ट मीटर 220 वोल्ट डीसी, आप देख सकते हैं 4.5 कैन चार्ज योर फोन। तो चलिए दोस्तों इन सारी चीजों को इस बॉक्स के अंदर डाल लेता हूँ, पहले सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ उस बॉक्स के अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारे पार्ट्स को इसके अंदर डाल दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इस बॉक्स को हम लोग वापस लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों ये पूरा अच्छी तरीके से तैयार है, मैंने यहाँ इसको ग्लू से चिपका भी दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको चेक करेंगे कि मोबाइल इससे चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ मैं 9 वोल्ट के इस बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें एक जो रेड कलर का लाइट दिया हुआ था इसको इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि आप जब इस 9 वोल्ट के बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करें तो लाइट चलता है और आपको पता चलता है कि करंट इसमें आ रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं चार्ज कर पा रहा है कि नहीं मोबाइल को। तो मैंने यहाँ डाटा केबल लगाया और आप देख सकते हो दोस्तों मोबाइल चार्ज हो रहा है, इससे देख सकते हैं मोबाइल चार्ज हो रहा है इससे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।